इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो गई है। वो नई लिस्ट भी हम आपको तुरंत ही दिखाने वाले हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर एक और लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की एक और लिस्ट आ गई है। वो लिस्ट न्यूज 18 के पास भी है। बस कुछ ही पल में ये लिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। कौन कौन से नाम, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है, इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया है पार्टी ने, जिस बात का आकलन न्यूज 18 भी कर रहा था। कैसरगंज से बृजभूषण का टिकट कट गया है। बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी ने दो और सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र भी है। इस सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद का टिकट पार्टी ने काट दिया है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है, उन्हें चुनाव मैदान में पार्टी ने नहीं उतारा है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह खुद ही चुनाव मैदान में डटे हुए थे, लगातार तैयारी कर रहे थे और बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके नाम की अनाउंसमेंट हो जाए। वो बार बार ये कह रहे थे कि हम बहुत पीछे हो गए हैं, 53 दिन से ज्यादा हम पीछे हो चुके हैं नाम की अनाउंसमेंट को लेकर। लेकिन जो बात सामने आ रही थी वो अब पुख्ता हो गई है, उनका टिकट कट गया। वहीं एक और नाम आपको बता दें, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो रायबरेली को लेकर बीजेपी ने क्लियर कर दिया है, रायबरेली और कैसरगंज दो लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। इस नई लिस्ट में दो नाम हैं, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह चुनाव मैदान में, जबकि कैसरगंज से करण भूषण, जो कि बृजभूषण के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है पार्टी की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी की ओर से दो और लोकसभा उम्मीदवारों के नाम सामने रखे गए हैं। रायबरेली पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। एक तरफ अमेठी से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को, मौजूदा सांसद को, चुनाव मैदान में उतारा है, तो रायबरेली से भी टिकट क्लियर हो चुका है बीजेपी का। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है अमेठी और रायबरेली को लेकर। कल यहां पर आखिरी दिन है नामांकन का, इससे पहले ये अनाउंसमेंट हुई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पिता का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं करण भूषण सिंह, जो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया है पार्टी ने और अपने पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विनीत, जो कयास थे, जो बातें सामने आ रही थी सूत्रों के हवाले से, अब उस पर मुहर लग गई है। कैसरगंज से करण सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया पार्टी ने। हाँ जी, निश्चित तौर पर, जिस पर मैं लगातार हम अपने में दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि वहां से बृजभूषण शरण सिंह का जो है वो टिकट कटा मिल सकता है और उसके बदले उनके परिवार के सदस्य को भी टिकट मिलने की बात जो है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। और अब इस खबर पर मुहर भी लग गई है, जिसमें करण को जो है उनको टिकट मिला हुआ है। बृजभूषण सिंह जो है वो लगातार विवादों के घेरे में रहे थे और इस कारण जो है उनका टिकट जो है वो अब कट गया है और अब बीजेपी ने अब कैसरगंज से करण भूषण सिंह को जो है वो टिकट दिया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो है इसके पहले काफी कवायद की थी, काफी लोगों से बात की थी। इवन यहाँ तक कि जो हमें सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि बृजभूषण सिंह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बात की थी और उन्हें यहाँ पर काफी कन्विंस करने की बात की थी कि उन्हें टिकट जो है वो पार्टी नहीं दे सकती है इस बार, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि पार्टी में या फिर जिस तरह से हमने देखा कि खेल संघों के चुनाव को लेकर के जो विवाद हुआ था और उसके बाद जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का नाम जो है वो आ रहा था, उसके बाद से पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हें टिकट देना जो है वो इस बार संभव नहीं हो पाएगा और इसीलिए जो है वो टिकट उनको अब टिकट न देकर के बल्कि उनके परिवार के सदस्य और उनके बेटी को टिकट जो है वो बीजेपी ने दिया है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने जो है वो पूरी तरह से इस टिकट को देने के पहले बृजभूषण शरण सिंह से बात भी की है। तो बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत हुई, उसके बाद करण के नाम पर टिकट दिए जाने का फैसला लिया गया और जनता के बीच आप मौजूद हैं, जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही थी लंबे वक्त से, उनका क्या रुख है, जनता का मन क्या है, क्योंकि विवादित बृजभूषण, उन्हें टिकट नहीं मिला लेकिन परिवार के ही सदस्य को मिला है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है, उनके क्षेत्र में जो लोकप्रियता है वो वहां पर बरकरार है और इसी कारण बीजेपी जो है वो उन्हें नजरअंदाज जो है वो नहीं कर सकती थी। बीजेपी में हालांकि जिस तरह के आरोप जो है वो खेलों के कारण जिस तरह के आरोप जो है वो उन पर लगाए गए थे, ऐसे में बीजेपी के लिए उन्हें टिकट देना जो है कहीं ना कहीं महिला विरोधी छवि जो है वो बीजेपी की हो सकती है। इसी को लेकर के बीजेपी जो है वो उन्हें
टिकट जो है वो नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें उनके क्षेत्र में से बात करें, बीजेपी पूरी तरह से उनसे किनारा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस तरह की छवि है और जिस तरह से बाहुबली सांसद के तौर पर जाना जाते हैं, उनका अपने क्षेत्र में जो प्रभाव है उसके कारण बीजेपी ने जो है वो उन्हें टिकट भले ही ने ना दिया हो लेकिन उनके परिवार के ही सदस्य को टिकट दिया है। जी ठीक है, विनीत बने रहे हमारे साथ। राजीव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋषभ मणि भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, दोनों का रुख कर लेते हैं। राजीव आपके पास आते हैं, ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला लेकिन बेटे को ही टिकट मिला, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो कयास किए लगाए जा रहे थे, ये फैसला बीजेपी के फेवर में कितना है? जाहिर सी बात है दबदबा ब्रजभूषण का है, उसका फायदा उनके बेटे को मिलेगा, लेकिन विपक्ष के लिए कितना बड़ा हथियार है ये? अब देखिए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छा मैसेज जो होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे कि चाहे हरियाणा के प्लेयर्स हों या फिर जो पूरे देश में जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था, और साथ ही साथ जो महिला खिलाड़ी थे उनके शोषण का आरोप लगा था, तो बीजेपी ये चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी न हो, इसीलिए ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है, और ऐसी उम्मीद पहले से भी चल रही थी। वरना ब्रजभूषण सिंह को बीजेपी को टिकट देना होता तो टिकट पहले ही ऐलान हो जाता, क्योंकि कल नामांकन की अंतिम दिन है। तो ऐसे में करण भूषण जो है कल नामांकन करेंगे, और क्योंकि वो ब्रजभूषण के बेटे हैं तो उतना ही सपोर्ट वहां के लोग करण भूषण का भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान रायबरेली से भी भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि रायबरेली अमेठी में इस वक्त जो कांग्रेस को दिनेश प्रताप सिंह की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कैसरगंज का ही थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ऋषभ भी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, यह कयास तो पहले से थे, फिर इतना वक्त क्यों लग गया कैसरगंज से टिकट के अनाउंसमेंट में? क्या ब्रजभूषण मान नहीं रहे थे, वो जिद पर थे कि टिकट उन्हें ही मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है, हमें पहले दो चरण के चुनाव को भी देखना पड़ेगा। जो भाजपा की रणनीति अब इस फैसले के ऊपर समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी कोशिश यही की है इस टिकट की घोषणा को डिले करने में, कि जो दो चरण के पहले जो मतदान हुए हैं उनको निपटा लिया जाए, और जब अब आखिरी दिन है कल नामांकन का, तब उसका जो टिकट है वो डिक्लेयर किया जाए। ब्रजभूषण शरण की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है कद्दावर नेता है, लेकिन बीते दिनों जब वो एक कंट्रोवर्सी में सामने आ जाते हैं, तमाम महिला पहलवान उनके ऊपर शोषण का आरोप लगा है, मामला कोर्ट में भी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हटो बचो की जो नीति थी वो उसके ऊपर चल रही थी। लेकिन ब्रजभूषण ने भी आसपास के कुछ जिलों में भी उनका इतना प्रभाव है, अपनी जाति के ऊपर भी प्रभाव है, लिहाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात तय करनी पड़ी कि ठीक है, ब्रजभूषण शरण हमारे उम्मीदवार नहीं होंगे लेकिन उनके छोटे बेटे करण को टिकट दिया गया। प्रतीक जो उनका बड़ा बेटा है वो भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक है, और अब करण उस दौड़ में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिले जरूर किया, सस्पेंस जरूर रखा, और या ये कह ले इन दो चरणों में जो मतदान हुआ है उसको भी वॉच किया है, और उसके बाद इस टिकट को डिक्लेयर किया गया। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। बात अब रायबरेली की कर लेते हैं। तीन लोकसभा सीट जो कल नामांकन आखिरी दिन है, इन तीनों पर, रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज, बीजेपी ने इन तीनों ही जगहों पर अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया है। रायबरेली में बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से अमेठी और रायबरेली दोनों में ही कैंडिडेट के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। रायबरेली से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजीव।